हम सब पथिक कविता का शेष भाग पढ़ते हैं। तो पहला है कि जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो इसके पूर्व जो पंक्तियाँ पढ़ी आपने उसमें दिन का वर्णन था, अब ये प्रकृति में रात्रि में क्या सुंदरता बिखरी होती है उसको बता रहे हैं। कहा कि जब गंभीरतम यानी घना अंधकार अर्धनिशा यानी आधी रात के समय संसार को ढक लेता है, यानी यह घना अंधकार जब चारों तरफ फैल जाता है यानी जब रात्रि हो जाती है, तो प्रकृति ने प्रकाश की क्या व्यवस्था की है? कहा कि अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तब मानो अंतरिक्ष रूपी छत पर प्रकृति ने क्या बिखेर दिया, तारों को बिखेर दिया, किस लिए? प्रकाश फैलाने के लिए। फिर क्या कि सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन यानी प्रसन्नता पूर्वक जगत का स्वामी कौन? सूर्य यानी संसार का मालिक सूर्य मंद गति से आता है, यानी जब सुबह होने लगती है तो सूर्य धीरे धीरे हमको सामने से दिखने लगता है। और कहा कि उस सूर्य को देख के कैसा लगता है? तो कहा कि तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और उस सूर्य को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश रूपी गंगा के किनारे खड़े होकर वह सूर्य मीठे गीत गा रहा हो। फिर आगे क्या कि उससे ही विमुग्ध होनम में चंद्र भी हंस देता है, और मानो सूर्य को यूं उगता हुआ देखकर ही आसमान में चंद्र हंसने लगता है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेते हैं, और सूर्य को देखकर मानो शर्माते हुए जो अनेक प्रकार के वृक्ष हैं वो अनेक प्रकार के फूल और पत्तियों से स्वयं को सजा लेते हैं। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हों। कहा कि और सूर्य को देख करके मानो पक्षियाँ भी अपनी प्रसन्नता संभाल नहीं पाते हैं, और सूर्य के सुंदरता पर मोहित होकर वह चहकले लगते हैं, बोलने लगते हैं। और फूल क्या करते हैं? फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, और मानो फूल भी आनंद पूर्वक सांस लेकर के महकने लगते हैं, स्वयं की महक चारों तरफ बिखेरने लगते हैं। अगला पैरा है कि वन उपवन गिरी सानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर जड़ते हैं। कहा कवि ने कि वन में उपवन में पर्वत पर और समतल भूमि पर और बागीचे में मेघ बरसने लगे हैं, और इस वर्षा की सुंदरता को देखकर मेरा आत्म प्रलय हो रहा है, यानी मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, और मेरी इस सुंदरता को देख करके मेरे आँखों से नीर यानी पानी झड़ रहे हैं, यानी इस सुंदरता को देख करके प्रसन्नता के आंसू मेरी आँखों से निकल रहे हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। कवि कहते हैं कि मेरी कविताएं पढ़ो। कहा किन शीर्षकों पे लिखी गई हैं वो कविताएं? कहा कि लहरों पर, तट पर, तृण पर, तरु पर, तरु माने वृक्ष, गिरि यानी पर्वत पर, नभ पर, किरण पर, जलद पर यानी बादलों पर, ये इन शीर्षकों पर मैंने कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, उनको पढ़ो। लिखी हुई है मधुर कहानी, यह मधुर कहानियों को पढ़ो, जो कि क्या है? विश्व विमोहनकारी, सारे संसार को अपने सुंदरता से मोहित कर लेने वाली हैं मेरी ये कविताएं, मेरी ये रचनाएं। आगे कि कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। कहा कि ये प्राकृतिक सुंदरता जो है यह कितनी मनोहर है, मन को हर लेने वाली है, कितनी मनोहर और कितनी उज्ज्वल है, और इसको प्रेम कहानी का स्वरूप दे दिया। यह प्रकृति जो है अपने आप में कितनी सुंदरता समाये हुए है, मानो आकाश और पृथ्वी जो है वर्षा के माध्यम से एक दूसरे से मिल रहे हों, यह कल्पना कवि करता है। और कहा
कि यह प्रेम कहानी कितनी उज्ज्वल, मधुर और मनोहर लग रही है। प्रेम कहानी क्यों कहा? क्योंकि दो चीज़ें वर्षा के माध्यम से मिल रही हैं, आसमान और पृथ्वी। और कहा कि मेरा मन क्या करता है सुंदरता को देख करके, कि जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बनी। और मेरा मन करता है कि मैं इस सुंदरता को व्यक्त करने के लिए अक्षर बन जाऊं और सारे संसार के सामने इसको प्रस्तुत करो, विश्व की वाणी बन जाऊं। यानी इस घटना को बताने के लिए पहले तो मैं अक्षर बन जाऊं और सबको इस सुंदरता के विषय में बताऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। फिर क्या कहा कि यह स्थिर पवित्र और आनंद प्रवाहित करने वाली और सदा शांति और सुख को देने वाली यह प्रेम कहानी अत्यधिक सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो छात्रों, आशा है आपको कविता का भाव, इसका अर्थ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।